वालेकुम एवरीवन। आज की इस वीडियो में आप लोगों को 10 दिन के मौसम के बारे में अगर गाइड करूं पाकिस्तान भर में मौसम किस तरह का होगा, तो करंट सैटेलाइट इमेज के मुताबिक जो आज सुबह से आप लोग बादल देख रहे थे और खुसूसन कराची में जो हाई क्लाउड्स है, वो तकरीबन बादल जो ट्रेवल कर रहे थे वो यमन ओमान से होते हुए फिर बहरे अरब में कराची में और सिंध के ऊपर से होते हुए ये राजस्थान तक फैले हुए थे। ये पूरा एरिया को जो है इन बादलों ने जो हाई क्लाउड्स ने कवर किया हुआ है, और ये बादल जो है खातिर खा कोई बारिश तो नहीं करेंगे, लेकिन इसका मतलब यह है कि अपर एटमॉस्फेयर के ऊपर जो है वो मॉइस्चर मौजूद है। तो आने वाले दिनों में मौसम किस तरह का होगा खसूसन बलूचिस्तान के पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि रेन एक्टिविटी जो है बलूचिस्तान में जो है पिछले कुछ दिनों से जो है ज़्यादा हो रही है, खास तौर पर गवादर जेवानी पस्नी वगैरह में, और जो करंट WD था जिसकी वजह से जो दुबई में बारिश हुई हुई वगैरह में, वो बारिश जो है कल आप लोग ने देखा मैच को भी मुतासर किया था उसने। और आज उम्मीद तो है कि मैच हो जाए जो पाकिस्तान न्यूजीलैंड का है। इसके अलावा WD जो है वो अपर ही एरियाज के ऊपर मौजूद है। इसके बाद एक WD जो है खास तौर पे 25 और 26 तारीख को आएगा, और वो ईरान के इलाके जो खास तौर पे चाबहार के इलाके हैं यहाँ पे रेन एक्टिविटी ज्यादा करेगा, और उसी की वजह से जो एक लो प्रेशर या इंड्यूस साइक्लोनिक सर्कुलेशन फॉर्म होगी वो गवादर वगैरह की तरफ होगी। तो वो सर्कुलेशन जो है ओमारा की तरफ आती हुई नजर तो आ रही है, लेकिन वो कराची आते आते तक जो है वीक हो रही है। तो कराची में इसी वजह से जो मैंने आप लोगों को कहा था कि कराची में कोई खातिर का रेन एक्टिविटी का इम्कान नहीं है, क्योंकि MGO की जो वेव है वो फेज है, वो फेज 8 के ऊपर मौजूद है, लेकिन जो उसके पल्स हैं वो काफी वीक है। यानी कि एक दायरा होता है, उसके बाहर अगर हो तो जो होती है वो स्ट्रांग होती है, लेकिन वो जो पल्स हैं वो इस दायरे के अंदर मौजूद है, जिसकी वजह से जो सिस्टम है कराची को मुतासर करते हुए नजर नहीं आ रहे। तो कराची के ऊपर जो सिस्टम एक्सपेक्टेड है खास तौर पे, आप लोग डेट याद कर लें या मैं लिख भी देता हूँ कि 6 से 7 मैक्सिमम ये मई की तारीख को एक्सपेक्टेड है कि कोई सिस्टम जो है कराची में इस टाइम को रेन एक्टिविटी आप लोगों को कराची में देखने को मिल रहा है। बाकी जो है ओवरऑल पाकिस्तान के अंदर जो है खास तौर पे जो जनूबी इलाके हैं, सिंध के इलाके हैं, बावरपुल वगैरह के इलाके हैं, बावरपुल वगैरह में तो गर्मी जो है अब ग्रेजुअली फिर से इंक्रीज हो जाएगी, क्योंकि सिस्टम जो है वो खास तौर पे जो है फैले हुए हैं वो खास तौर पे पाकिस्तान के नॉर्दर्न एरियाज के ऊपर, इसके अलावा जो है KPK के रीजन में और खत्ता पोटोहार के रीजन में जो रेन एक्टिविटी, जो इसका मैंने कहा कि आप लोगों को 25 से 26 के दौरान जो रेन एक्टिविटी होगी वो खास तौर पर यहाँ पे स्कैटर्ड शावर्स होंगे, लेकिन जो मेजर रेन होगी वो सिर्फ और सिर्फ बलूचिस्तान के कोस्टल एरियाज के ऊपर गवादर तक ही होगी। इन इलाकों में ज्यादा रेन एक्टिविटी होगी उस सिस्टम से। बाकी UAE वगैरह में या कतर वगैरह में एज सच मॉडल के ऊपर तो अभी क्लाउड्स नहीं दिख रहे, और रेन एक्टिविटी जो है खास तौर पे ईरान के रीजन में दिख रही है। तो ये थी थोड़ी सी अपडेट नेक्स्ट 10 डेज के पॉइंट ऑफ व्यू से, और WD जो है ऑफ एंड ऑन जो है आते रहेंगे, और खास तौर पे ये 26 तारीख के बाद से जो होगा पाकिस्तान भर में मौसम एकदम जो होगा वो क्लियर हो जाएगा। फिर जो WD आएंगे जिनसे रेन एक्सपेक्टेड है वो मई के महीने में है। तो बाकी जो भी अपडेट होगी इनशाला अगर कोई चेंजिंग होती है तो आप लोगों से कनेक्ट रहूंगा, और इसी तरह आप लोगों को कोशिश करूंगा कि समझाता रहूं। बाकी अपना ख्याल रखिए, कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट्स कर दीजिएगा। अल्लाह हाफिज।